नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक प्लेट, प्लेट में ले रही हूँ चने का आटा, जिसे हम सत्तू बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। ये 100 ग्राम सत्तू है, चने का आटा, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसे अच्छे से हम घिस लिए हैं, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा घिस लिए हैं। साथ ही काला जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और थोड़ी सी हींग भी डाल दिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच जितना इसमें सरसों का तेल डाल दे रही हूँ, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है। 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और जीरा पाउडर, अब और इसमें नींबू का रस भी डालूंगी, नींबू का रस 2 चम्मच। ऐसे तो ये अचार का जो मसाला आता है उससे बनाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन नींबू से ही भी बहुत अच्छा लगता है, नींबू से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैं नींबू से ही अभी बना रही हूँ, और देखिए अच्छे से इसको मिला लिए हैं। आटा हम पहले ही से गूंद के रखे थे। ये जो आटा जैसे रोटी बनाने का रहता है, ये गेहूँ का आटा है, इसे हम लोए बनाएंगे। लोए अपने हिसाब से कम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और इसे हम कटोरी शेप में, कटोरी शेप में बनाएंगे। इस तरह से, ये आटा गीला है थोड़ा, तो इसे हाथों में चिपक रहा था, इसीलिए सूखा वाला आटा ले लिए हैं गेहूं का। उसे अच्छे से हाथों में लगा के, और देखिए कटोरी शेप में बन गया। इसमें हम इसमें डाल देंगे सत्तू जो बना के रखे हैं, और इसे अच्छे से हम बंद करेंगे। कौन कौन खाए हैं इस तरह से लिट्टी चोखा मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, जो तरीके से मैं बना रही हूँ। इसी तरह से सब आटा को ऐसी लिट्टी भर के एक डो बना के इसमें सत्तू भर देंगे। ये जो मसाला तैयार किए हैं इसको हम भर के अच्छे से इसे बंद करेंगे। बंद करना, अच्छा से बंद करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये फट जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम काट के निकाल लेंगे, तोड़ के इसी तरह से गोल गोल बनाएंगे। देखिए सारा लिट्टी तैयार हो गया है। अब मैं एक पतीला में पानी गर्म होने दे रहे हैं, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं, और इसे हम ढक के उबाल आने तक इसे ढक के गैस का में फ्लेम मीडियम रखेंगे। तब तक मैं इसका चोखा बना ले रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ उबले आलू, बैंगन है इसे भी हम उबाल लिए हैं, और 2 टमाटर इसे भी साथ में उबाल लिए हैं। एक मसाला और भी बनता है जो चोखा बनाते हैं, उसे आग में जला के, गैस में जला के बनता है, मैं उबाल के ही बना रही हूँ। साथ ही अदरक लहसुन और हरा मिर्चा, इसका भी दरदरा सा इसका कर लिए हैं। एक बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक, और इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। देखिए इधर पानी भी खौल गया है, उबल गया है, और इसमें तड़का डाल दे रहे हैं। एक सूखा मिर्ची, साबुत मिर्च और जीरा। देखिए पानी इधर उबल गया है, मैं इसमें लिट्टी एक एक करके डाल दे रही हूँ। और इसे 5 मिनट के लिए ढक के अच्छे से उबाल आने देंगे।
देखिए 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसे एक बार पलट लूँगी। ये अच्छे से पके हैं कि नहीं, अच्छे से इसका ये है कि आपका जो पानी में बैठे रहता है वो ऊपर आ गया, तो समझिए आपका लिट्टी पक गया है। और देखिए इधर चोखा भी तैयार हो गया है, इसे ढक के हम साइड में रख देंगे। इधर लिट्टी भी उबल गया है, अब इसे हम कढ़ाई में तेल गरम होने डाल दिए हैं, रिफाइंड ऑयल है, और उसमें हम एक एक करके दो दो करके जितना भी आप तेल डाले हैं उस हिसाब से आप इसे फ्राई कर लें, डीप फ्राई करना है इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इस तरह से लिट्टी किन किन लोगों ने पहले बना के खाए हैं तो कमेंट में भी ज़रूर बतलाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट लिट्टी बना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।